कॉलेज प्रबंध तंत्र की हिटलरशाही, ऐसी छात्र छात्राओं की रोकी गई स्कॉलरशिप। यूपी के सीतापुर में ऐसी छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप कॉलेज प्रबंधक ने रोक दी है, जिससे छात्रों में हड़कंप मच गया है। ये छात्र आज तहसील दिवस में प्रभारी डीएम संदीप कुमार के पास पहुंचे, जहां छात्रों ने बताया कि महमूदाबाद कॉलेज मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की मनमानी के चलते 34 ऐसी वर्ग के छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप रोक दी गई है, जिससे कि छात्रों को दिक्कतें हो रही हैं। छात्रों ने आरोप लगाया है कि एक ही वर्ग विशेष की स्कॉलरशिप रोकी गई है। इस मामले पर प्रभारी डीएम संदीप कुमार का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। एक मामला संज्ञान में आया है, उनके द्वारा मुझे लिखित में शिकायत की गई है। शिकायत ये बताया जा रहा है कि इनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है। जब मैंने जिला समाज कल्याण अधिकारी से वार्ता की तो उन्होंने ये बताया कि इनका जो डेटा है उस डेटा में सस्पेक्टेड डेटा में आता है, उसमें एक मिसमैच है। उसमें टिप्पणी में लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी का और इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर उसमें मिसमैच है। इसका मतलब यह हुआ कि दो तरह से डेटा फीड होता है, एक यूनिवर्सिटी द्वारा होता है और एक छात्र द्वारा खुद होता है। इन दोनों डेटा में मिसमैच है, इस वजह से डेटा सस्पेक्टेड में आ गया और जिस वजह से इनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई। एक बिरादरी के छात्र हो सकते हो, लेकिन ये एक ही कॉलेज के छात्र, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। उस कॉलेज में के द्वारा डेटा फीड करने में हो सकता है कोई गलती हुई हो, और किसी जगह से भी कोई शिकायत नहीं है, पर्टिकुलर कॉलेज शिकायत। तो फिर भी हमने इसको जांच के लिए लिखा है इसको, और शासन से विशेष अनुमति लेकर अगर वहाँ से परमिशन मिलती है तो अब इनको सस्पेक्टेड डेटा को सही कराने करा के इनको छात्रवृत्ति दिलाने का प्रयास करें।